नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल ने आज हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में सभा सचिवालय को विभाजन समय आवंटित हुए 20 कमरों व पंजाब विधानसभा से खाली करवाए गए हरियाणा विधानसभा के सौंपने का प्रस्ताव रखा। उनको ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 कर केंद्रीय अधिनियम 1931 की धारा 3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के अनुरूप में सम्मिलित होकर के 1 नवंबर 1966 के अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ, वहीं पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। प्रदेश को बने वे लगभग 54 वर्ष हो गए हैं, परंतु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला। हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा दिनांक 17/10/1966 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय पंजाब के कार्यकाल द्वारा आवंटित किया गया। उन्होंने बताया कि विधान भवन इमारत का कुल क्षेत्रफल 66,431 वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। इनमें से 30,890 वर्ग फुट पंजाब विधानसभा सचिवालय को दिया गया तथा 10,910 वर्ग फुट पंजाब विधान परिषद सचिवालय को दिया गया और 26,630 वर्ग फुट हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया। उन्होंने कहा कि यह महान सदन विधानसभा भवन की इमारत का अपना हिस्सा लेने के लिए किसी भी फॉर्म पर अपनी बात पुरजोर से एकजुटता के साथ उठाएगा। यह संदर्भ पंजाब सरकार तथा पंजाब विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करता हूँ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत जो हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा हुआ, उनका सम्मान करते हुए हरियाणा और पंजाब भवन की इमारत में जो 24,630 वर्ग फुट स्थान जो कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय को आवंटित हुआ था, उनमें से हरियाणा विधानसभा ने जो 20 कमरों का पंजाब विधानसभा के पास है उनको खाली करते हुए हरियाणा विधानसभा को सौंपा जाए। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का केंद्रीय अधिनियम 1931 की धारा 3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर 1 नवंबर 1966 से अस्तित्व में आया। उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ, वहीं पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। आज हमारे प्रदेश को बने हुए लगभग 54 वर्ष हो गए हैं, परंतु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। अतीत में जो भी सरकारें रही सभी ने अपने अपने प्रयास किए हैं, हमें अपना पूरा हक मिले। हम सभी इस बात को के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जब तक हमें अपना पूरा हक नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हरियाणा एवं पंजाब विधानसभा का बंटवारा दिनांक 17/10/1966 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय पंजाब के कार्यालय में तत्कालीन चीफ इंजीनियर कैपिटल प्रोजेक्ट चंडीगढ़ द्वारा बैठक बुलाकर निर्धारित अनुपात के अनुसार आवंटित किया। विधान भवन इमारत का कुल क्षेत्रफल 66,430 स्क्वेयर फीट निर्धारित किया गया, जिसमें से 30,890 स्क्वेयर फीट पंजाब विधानसभा सचिवालय को दिया गया तथा 10,910 स्क्वेयर फीट पंजाब विधान परिषद सचिवालय को दिया गया और 24,630 स्क्वेयर फीट हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। प्रसिद्ध सदन लाभी सही जो हमें बंटवारे में आया, जो आज हमारा सदन है, पूर्ण रूप से हमारे पास है। बेसमेंट उत्तर पूर्व कक्ष संख्या 23, 24, 25, 26, ये चार कमरे हमारे बंटवारे में आए, जिनमें से कमरा नंबर 23 तथा 26 आज भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में है। ग्राउंड फ्लोर दक्षिण पश्चिम कक्ष संख्या 27, 28, 29 तथा 30, ये चार कमरे जो बंटवारे के समय हमें हमारे हिस्से में आए थे, आज ये चारों कमरे पंजाब विधानसभा के कब्जे में हैं। पहली मंजिल दक्षिण पश्चिम कक्ष संख्या 66, 67, 68, 69, 70 तथा 71, कुल 6 कमरे जो हमारे हिस्से में आए थे वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं। पहली मंजिल उत्तर पश्चिम कक्ष संख्या 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 तथा 113,
कुल 14 कमरे जो बंटवारे में हमारे हिस्से में आए, जो आज पंजाब के कब्जे में हैं। दूसरी मंजिल उत्तर पश्चिम कक्ष संख्या 123, 124, 125, 126, 127 तथा 128, कुल 6 कमरे जो बंटवारे में आए वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं। दूसरी मंजिल उत्तर पूर्व कक्ष संख्या 154, 155, 156, 158, 159, 160, कुल 6 कमरे जो हमारे बंटवारे में आए ये सभी कक्ष पंजाब विधानसभा के पास हैं, परंतु पूर्व में आपसी सहमति से पंजाब के बंटवारे में आए 7 कमरे संख्या 129 से लेकर 135 दूसरी मंजिल हरियाणा विधानसभा के पास है। इस तरह कुल 20 कमरे जो हमारा हिस्सा है उन पर आज भी पंजाब ने अवैध तौर से कब्जा किया हुआ है। आज हमारे कर्मचारियों के लिए, विभिन्न दलों के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए तथा समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमारे 20 कमरों पर पंजाब विधानसभा ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया हुआ है। यह महान सदन विधानसभा भवन की इमारत का अपना हिस्सा लेने के लिए किसी भी फोरम पर अपनी बात पुरजोर से एकजुटता के साथ उठाएगा तथा यह सदन पंजाब सरकार तथा पंजाब विधानसभा अध्यक्ष से भी अनुरोध करता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत जो हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा 17/10/1966 को हुआ उसका सम्मान करते हुए हरियाणा और पंजाब भवन की इमारत में जो 24,630 स्क्वेयर फीट स्थान जो हरियाणा विधानसभा सचिवालय को आवंटित हुआ उसमें से जो 20 कमरों पर पंजाब विधानसभा का अवैध कब्जा है उसको खाली करके हरियाणा विधानसभा को सौंपा जाए। प्रश्न है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव अभी सदन में रखा है उस प्रस्ताव को पढ़ा हुआ समझा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।